अभी सारी बोल रही है पंडित को फोन उसको फोन कर दो ना मेरा काम वही है पूरा दो हेलो जय श्री राम जी मंदिर में कोई कुछ बजाया है कुछ बाद कुछ मारे है पता नहीं क्या मारे है आवाज बहुत ज्यादा आई है पूरे डीएसपी तक फोन करते रहे मंदिर में कोई ब्लास्ट ऊपर दीवारों को लो ना दीवारों को ये देखो सर ये 9:45 का वाकया है। एक ब्लास्ट की आवाज आई है और उसी वक्त जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो पहुंच गई यहाँ 1-4 की गार्ड भी लगी हुई है। मगर बड़ा दुख होता है कि जब कोई दुश्मन का कोई पता नहीं होता दुश्मन कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है तो उसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे एसएसपी साहब यहाँ आए हुए थे वो भी पहुँच गए आरआर के कमांडर साहब भी पहुँच गए सिक्योरिटी एजेंसियाँ हमारे साथ हैं। मगर आज मन को बड़ा दुख हुआ है कि कोई दुश्मन जो है वो बाहर से ऐसी उसने गंदी हरकत की है और हमारे मंदिर पर अटैक हुआ है। ऐसा भी सुनने में आता है कि आज मंदिर में कोई प्रोग्राम था जी आज एक उठाला था और भगवान का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो एपिसोड हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिसने भी यह किया है तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से कह देना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए इसकी पूरी तलाश की जाए ये कौन से नासर हैं जो इस माहौल को गंदा करना चाहते हैं। और आज तक जितनी भी वेटेंसी हुई है हमारे मंदिर पर कभी भी अटैक नहीं हुआ है। मगर आज बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके से जिसने भी अटैक किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ और आर्मी और सब हमारे साथ हैं और मैं यही चाहूँगा कि इसकी वेरिफिकेशन हो और हमें पता चले कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की वारदात करना चाहते हैं जबकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद है और वो आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं इसी मामले को उलझाने के लिए किया गया हो या किसी ने कोई कोशिश की है कि लोगों में आपस में फूट पड़े। आज आप जानते हो कि किस तरीके से हमारे वर्ल्ड के हालात बने हुए हैं तो कुछ लोग हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से यही कहूँगा उसके साथ एसएसपी साहब से ये कहूँगा कि जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसको सर्वाइव किया जाए और इसकी रक्षा की जाए और जगह जगह जो है इन्हें सिक्योरिटी दी जाए।